Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu taala alayka wasallam. मेरे प्यारे आका अली सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक भाई ने सवाल किया था कि हजरत फूफी की लड़की से निकाह करना कैसा है और भतीजी से निकाह करना कैसा है। बहुत अहम मसला है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुने और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, चचा भतीजी से निकाह करना और फूफी की लड़की से निकाह करना कैसा है। देखिए, कुरान करीम के अंदर जो औरतें इंसान पर हराम है उसका जिक्र कुरान के चौथे पारे के 14वें रुकू के अंदर कर दिया गया है, जो औरतें इंसान पर हराम है। इसके अलावा जितनी औरतें हैं सारी औरतें जो इंसान पर हलाल हैं, जिनका जो हराम है उनका जिक्र कर दिया गया है। इनके अलावा जितनी औरतें हैं वो सब के सब इंसान के ऊपर हलाल है। कुरान का पारा नंबर 4 रुकू नंबर 14 अल्लाह फरमाता है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ते व उम्महातुकुमुल्लाती अर्दअनकुम व अखवातुकुम मिनर रदाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन। जितनी औरतें हराम हैं सबका जिक्र इस आयत करीमा के अंदर कर दिया गया है। अब इसके अलावा जितनी औरतें हैं सब जो है वो इंसान के ऊपर हलाल हैं। पहला सवाल, फूफी की लड़की से निकाह करना कैसा है। तो देखिए, फूफी की लड़की से निकाह करना जायज है, दुरुस्त है, हलाल है, क्योंकि जो औरतें हराम हैं जिनका जिक्र कुरान में किया गया है उनमें फूफी की लड़की का जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, कुरान के अंदर फरमाया गया है, वा अम्मा तुकुम, और तुम्हारी फूफिया हराम है तुम पर। फूफिया से निकाह, फूफी से निकाह नहीं हो सकता है, लेकिन फूफी की लड़की से निकाह हो सकता है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर फूफी की लड़की को हराम नहीं बताया गया है। तो पहला सवाल, फूफी की लड़की से निकाह करना कैसा है। तो जायज और दुरुस्त है, हलाल है, कर सकते हैं। दूसरा सवाल, भतीजी से निकाह करना कैसा है। जो भाई की लड़की होती है उससे निकाह करना, जो भतीजी है उससे निकाह करना कैसा है। तो देखिए, सगी भतीजी से जो है वो निकाह करना नाजायज हराम है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर फरमाया गया, व बनातुल अखी, यानी तुम्हारी भतीजियां भी तुम पर हराम हैं। तो भाई की लड़की जो सगी भतीजी है उससे आप निकाह नहीं कर सकते हैं, हलाल है, यहां हराम है। यहां एक बात याद रखें कि जो आपकी सगी भतीजी है ना उससे सिर्फ आप निकाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर सगी भतीजी आपकी नहीं है और ऐसे ही कोई आपको भतीजी कोई अपने आप को बना ले तो जो है उससे निकाह जो है हो सकता है। तो या वैसे बहुत से लोग रहते हैं जो वो भाई भाई बोलते रहते हैं या चचा चचा बोलते रहते हैं, तो जो अचानक से रिश्ता जो बना लेते हैं, तो अगर ऐसी भतीजी जो सिर्फ रिश्ते में लगती हो, अलग सिर्फ नाम से पुकारती हो, तो ऐसी भतीजी से निकाह कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी सगी भतीजी है, सगे भाई की सगी लड़की जो है उससे आप निकाह नहीं कर सकते हैं, उससे निकाह करना नाजायज और हराम है, क्योंकि कुरान के अंदर साफ लफ्जों में फरमाया गया है, वह बनातुल अखी, और तुम्हारी भतीजियां जो है वो तुम पर हराम है। तो फूफी की लड़की से निकाह करना जायज है, दुरुस्त है, हलाल है, और जो है वो भतीजी से शादी करना, निकाह करना नाजायज और हराम है, गुनाह है। तो आप फूफी की लड़की से निकाह कर सकते हैं, लेकिन सगी भतीजी से आप निकाह जो है वो नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट के जरिए आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।